कमानिया जो है घोड़े वाली लगा रहे हैं दोस्तों, शायद ऐसे किसी ने काम किया हो दोस्तों, पॉसिबिलिटी नहीं है कोई ऐसा कर रहा होगा। लाइन डंडे फंडक्शन कॉमन है, पता ही लग रहा है देखने से। ये आप खुद ही देख सकते हैं आप क्या हालत हो रखी है इसकी, कंडीशन बता रही है गाड़ी की, जैसे कि ट्राली का काम करा के आया वैसे वाला। धार क्या सीधी धार लगानी पड़ेगी ना, तो बस मशीन पे चल गए। और सुराग तो हो गया था, सुराग हो गए, मशीन चला दी दोबारा। अरे मशीन नहीं चलाया बाद में, इसमें धार लगा सीधी धार लगनी है, तो बाद में वो ला रहा मैं दूसरा पर निकाल कर। अभी नहीं माइक नहीं ना, कल माइक होगा तो बोलूंगा। सलाह तुमने करना पूरा लगा दे वाले ड्राइवर साइड अंदर से किसरा है, बट ठीक है। टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है दोस्तों। गाड़ी आ रखी है उत्तराखंड से और इसका हम कर रहे हैं कमानी वाला जगाड़मेंट बड़ा। मगर उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये फ्रेम खड़ा है दो दिन से जिसका हम अलाइनमेंट कर रहे हैं, मतलब कि जो फ्रेम नीचे से दबा हुआ है जो कि टंकी के पास से दोस्तों, और यहाँ पर नीचे लाइन लगा के इसमें जैक लगाए जाएंगे दोस्तों, आप देखेंगे वीडियो में। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मैं ये जो बराबर में गाड़ी खड़ी है 6 चक्का 19-23 जिसकी कमानियाँ दोस्तों हम वो वाली लगा कर रहे हैं जो हमने 40-18 में देखी थी ना कमानियाँ, जो पीछे हेल्पर वाली कमानी बड़ी आया करती थी। खैर 55-30 में जो कमानी है उससे थोड़ा सा मुझे फ़र्क सा लगता है हल्का सा, बाकी मैंने जो गड्डी नापी है वो 40-18 नापी है, 40-18 को इससे कंपेयर करके मतलब गाड़ी के जो नक्के हैं वो हमने इसमें सुराख करने हैं दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों कि जो नक्का है थोड़ा यहाँ पीछे की तरफ लगाया जाएगा, यहाँ पर पट के यहाँ से मतलब पट्टा क्या है मतलब खोल दिया नक्के उसे बोल्ट वगैरह। और दूसरा दोस्तों मैं आप अंदर दिखाता हूँ, ये गाड़ी जो खड़ी काफ़ी दिन से भारत बेंज की 54-28 दोस्तों, और इस गाड़ी के अंदर जो तमाम जो काम चल रहा है दोस्तों वो आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि काम इसका प्रगति में है और काम जो है निमटने में ही है दोस्तों अब इसका, क्योंकि बाकी काम कर ही रहे थे। और दोस्तों एक फ्रंट एक्सल भी आया हुआ है जो कि खुलकर आया दोस्तों, कस्टमर लेके आया, जो कि सबसे पहले दोस्तों हम इसे में ही लगेंगे दोस्तों। काम काफ़ी आए हुए हैं मतलब करते रहेंगे, होता रहेगा, ये नहीं है कि हाँ भाई आज नहीं होगा जी कल होगा परसों होगा, मतलब जितना हो सके उतना पॉसिबिलिटी है सारे कामों में, और उसके बाद दोस्तों बाकी कामों को हम देंगे अंजाम। ये भी नहीं है कि दो दो दिन तक गाड़ी को खड़े रखना है, मतलब भाई अब जैसे फ्रंट एक्सल आ गया कर दिया, और कोई काम आ गया उसमें कर दिया, तो ऐसे काम में हम लगे रहते हैं। तो जैसे कि मैं दोस्तों आपको बताना चाह रहा था कि पहले पर्टिकुलर एक गाड़ी की मैं वीडियो बनाकर आपको शो करा करता था दोस्तों, मैंने वो सोचा मैं कहा एक गाड़ी की वीडियो से मतलब आपको खैर पता नहीं लग पाएगा, तो इसलिए दोस्तों मैं अब जो आने वाला वर्क है वो मैं आपको सारा शो करता हूँ। तो जो गाड़ियाँ जैसे कोई आई हैं क्या काम हो रहा है क्या नहीं है, तो टोटल A to Z आपको बताते हैं कि हम किस तरीके से इस काम को अंजाम देते हैं। अब ज़्यादा टाइम तुम्हारा कनेक्टर साइड से खाया हुआ है, ड्राइवर साइड से खाया हुआ है, कंडक्टर साइड से बाहर की गन्नी जो है वो खा रही है या अंदर की खा रही है? अंदर बाहर से घिस रहा होगा ना, बाहर की तरफ से घिस रहा होगा ना टायर, अंदर की साइड से नहीं घिस रहा ना कंडक्टर साइड से, ड्राइवर साइड अंदर से घिस रहा है, बट ठीक है। दोस्तों गाड़ी मालिक का फ़ोन आया था, और फ़ोन आने के बाद दोस्तों उसने बात की हमसे कि इसमें ये टायर की समस्या है जो कि इसने हमें बताई है, जो कि कई मतलब ऐसे सोचते हैं कि भाई हम फ्रंट एक्सल को ऐसे ही दबा देते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है, जो कि आपके सामने ही है, कस्टमर का फ़ोन आया है और हमने उससे बात की है, और बात करने के बाद ही फ्रंट एक्सल में दाब दी है, और मतलब वो मन में विचार ऐसा रहता है दोस्तों, उस विचार को देखते हुए मैंने आपके सामने बात साझी रखी है कि कस्टमर कोई भी आए
अगर आप कोई सोचते हैं कि भाई हमें फ्रंटर से लाया और हमने ऐसे ही दबा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। कस्टमर से बात की जाएगी, उससे पूछा जाएगा कि हाँ भाई आपके गाड़ी के जो टायर है वो किस दिशा में दबा रही है, तो उससे बात करके बाकायदा उसी के हिसाब से फ्रंट एक्सल में हमने दाब दे देनी है। तो दोस्तों 14 चक्के का फ्रंट एक्सल है, इसमें दाब देना जो है आपको पता ही है थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि काफ़ी मतलब हैवी होता है वो। खैर हमारे पे तो हाइड्रोलिक सिस्टम है दोस्तों, हम तो इसके द्वारा माध्यम से दबा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा दिक्कत तब होती है जब दोस्तों पंप मारने पड़ते हैं, क्योंकि पंप वाला सिस्टम हमारे बराबर में लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे मतलब लाइट वगैरह भाग गई है तब दबाना पड़ जाए, तो पंप वगैरह उससे मारने पड़ते हैं। मगर दिक्कत कोई नहीं है, फिर भी हम पॉसिबिलिटी कर देते हैं दोस्तों इस काम को अंजाम देने के लिए। मगर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट एक्सल में जो कमी है, वो उसने बताया जो था वो मैं बताना भूल गया आपको, जो टायर में कमी थी वो कमी है दोस्तों। ड्राइवर साइड अंदर से खा रही थी टायर और कनेक्टर साइड बाहर से, जिसकी वजह से दोस्तों टायर जो थे वो अत्यंत ही घिस चुके थे, और गाड़ी का जो मालिक था वो बहुत ही परेशान हो चुका था कि भाई इस गाड़ी का जो फ्रंट एक्सल में जो है समस्या है, इसकी हल करो। तो गाड़ी का फ्रंट एक्सल खुलवा कर लाया कस्टमर, और उसके बाद दोस्तों हमने फ्रंट एक्सल में दे दी दाब। मगर दोस्तों इतना ही नहीं, और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, कस्टमर जो है खाली फ्रंट एक्सल लेकर आया है, स्पैंडल नहीं लेकर आया। अगर वो दोस्तों स्पैंडल भी लेकर आता तो शायद हम उसके स्पैंडलों के बुझों को चेक करते। अगर उसके स्पैंडलों के बुझों में चाल है कहना, मैंने उससे पूछा भी था, मगर उसने कहा जी थोड़ी बहुत है तो चल जाया करे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत है वो कैसे चल जाएगी, जब चाल है तो है, सीधी सी बात है। तो वो आपके चक्के में बड़े होकर काफ़ी भारी मात्रा में शो करेगी, जब आप ना चक्के को पानी से हिलाएंगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें कितनी चाल है। वो अब वहाँ पिनों में तो आप हाथ से हिलाकर देखते होंगे तो ऐसे लगता नहीं होगा कि बहुत कम है ज़्यादा है। तो इसलिए दोस्तों इन बातों का ना पता होने के कारण तो ये दिक्कतें आपके साथ आती हैं। जितने में दोस्तों मैं अब आपको वो गाड़ी दिखाऊँगा 1920 जिसके अंदर फ्रेम में हमने कमानी का सिस्टम बड़ा करना है, वो हम आपसे बात शेयर करेंगे पूरी डिटेल के साथ, और एक एक बात तमाम बताई जाएगी दोस्तों आपको कि किस तरीके से इस काम को अंजाम दिया जाता है। मगर उससे पहले दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास ऐसी ऐसी भरपूर जानकारियां और ऐसे ऐसे कामों की भंडार आपके पास आते रहें दोस्तों, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि कौन सा काम किस तरीके से अंजाम दिया जाता है। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के साथ, इतने में मैं आपको दिखाता हूँ सीन बाहर ले जाकर। मगर दोस्तों उससे पहले एक और आ गई है समस्या छोटी सी, वो समस्या क्या आ गई है कि दो डंडे पड़े हैं वो भी दबाने हैं, जो कि सामने आपको देख रहे हैं। फ्रंट एक्सल तो खैर दबाना ही दबाना था, और फ्रंट एक्सल दबाकर क्योंकि कस्टमर आया तो सामने खड़ा है कस्टमर, वो उसी का फ्रंट एक्सल है वो। और दोस्तों डंडे जो हैं दोस्तों ये भी दबाने हैं, ये भी कस्टमर के ही हैं और इन्हें भी फाइनल करना है हमें। दोस्तों डंडे चेक करने हैं, डंडे चेक करने के बाद उसके बाद हम जाएंगे बाहर दोस्तों फिर सुराख करने के लिए, जो कि वर्कर ड्रिल मशीन उठाएंगे, और मशीन उठाने के बाद दोस्तों वहां पर सुराख करने का जो है सारा प्रोसेस बनाया जाएगा, और उसके बाद दोस्तों वो जो है प्रोसेस जब बन जाएगा तो दोस्तों हम फिर सुराख करने की जो है प्रतिक्रिया जारी करेंगे। मगर उससे पहले दोस्तों आप देखेंगे कि डंडे जो है दाब धूप दे के चेक करके उसके बाद ही हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ, आपको दिखाया जाएगा आज 1923 में कमानी का सिस्टम। तो दोस्तों सुराख करने की मशीन जो है लेकर जा रहे हैं, और वहाँ जो है बनाना है प्रोसेस जो आपको बताया था दोस्तों मैंने, जो कि प्रबंध बनाना है यहाँ पे सुराख करने का। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये नक्के का हेल्पर है जहाँ सुराख था, और वहाँ पर काम उसे चालू करना है। इतने में अंदर आया हूँ, डैडी यहाँ लगे हुए हैं उस बाहर तोड़ने वाले फ्रेम में, और इसके अंदर सुराख के जो बोल्ट वगैरह डाले गए थे वो टाइट करे जा रहे हैं, और यहाँ पे और काम भी जो है तमाम जो है कंप्लीटेड हो रहा है, जो कि गाड़ी के पास दोस्तों मैं आपको लेकर जाऊँगा, बेफिक्र रहो भाई। मैं ये नहीं कि आपको ये दिखाने के चक्कर में कि वीडियो लंबी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, दिखाऊँगा। अब चलते हैं गाड़ी के पास ही, तो बने रहे वीडियो के साथ दोस्तों। ये अब करेंगे हम सुराख। हाँ लगा दे वाला सेंटर बन लिया अभी रखा रिफंड खान लिया होगा तो बात रेट लाख ले लियो दस कहीं नहीं
ये क्या डबल सौ आई हो गया होगा ठीक है लगा लो खा लगा हेडवा मारो फिर बल्कि। तो दोस्तों अब निशान तो ताया जी ने लगा दिए हैं, जो कि आप जानते होंगे ताया जी को छिंदे मिस्त्री, जो मुजफ्फरनगर में आप सभी भाई जानते हैं, मुजफ्फरनगर से मशहूर हैं और काफ़ी लोग जानते हैं उन्हें। और जो कि आपके सामने हैं दोस्तों, उन्होंने निशान लगा दिए थे और निशान लगाने के बाद दोस्तों अब जो है हमने यहाँ सुराख करने हैं। और सबसे पहले तो मैं वहाँ सेंटर पंच मार रहा हूँ पूरी गाड़ी के, वहाँ पर जहाँ जहाँ हमने सुराख लगाए हैं, जहाँ हमने नक्के का सिस्टम बनाना है। और नक्के का सिस्टम बनाने के बाद दोस्तों यहाँ चोटे मार मार के यहाँ पे जो है गड्ढे किए जा रहे हैं वहाँ पे, जिससे कि बर्मा जो है उस गड्ढे के अंदर बरकरार चल सके और कोई दिक्कत ना हो और सुराख करने में आसानी हो दोस्तों। और इसलिए दोस्तों इसमें मैं लगा हुआ हूँ काफ़ी देर से और पटली तरफ भी सुराख के निशान लगाने हैं। तो दोस्तों निशान लगा दिए गए हैं और निशान लगा कर अब जो है हमने इसमें सुराख करने हैं और वो आप देखेंगे दोस्तों अभी वीडियो में। गाड़ी दोस्तों छः चक्का है और छः चक्के को उसकी कमानियाँ जो है घोड़े वाली लगा रहे हैं दोस्तों। शायद ऐसे किसी ने काम किए हो दोस्तों, पॉसिबिलिटी नहीं है कोई ऐसा कर रहा होगा। लाइन डंडे फंडक्शन कॉमन है। तो दोस्तों निशान लगा लिए मैंने और अब जो है दोस्तों निशान लगाकर हम करेंगे सुराख। कमानियाँ भी खुलने के लिए तैयारी में है। इसमें पट्टे वो वाले लगाए जाएंगे बड़े वाले, जो कि 40-18 में आया करते हैं, सेम ही होता है दोस्तों। उनकी लंबाई होती है थोड़ी पट्टों की और ये थोड़ा सा मामला लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे वीडियो में किस तरीके से इस काम को हम अंजाम देंगे आज। दोस्तों देख सकते हैं ये कमानी के पट्टे वगैरह खोले गए हैं और ये वाली भी खोलनी है और खोल के इनमें पट्टे जो है बड़े लगाए जाएंगे। कमानी की जो मेन पट्टा होता है ना, कमानी का जो मेन पट्टा होता है दोस्तों, वो वाला जो पट्टा है वो ही दोस्तों इसमें जो है मतलब हमने असेंबल करना है और सारा काम उसी का है। और ये जो गाड़ी है अपनी छः चक्का, और छः चक्का दोस्तों हम अभी से ना जो छः चक्के वाली जो घोड़े वाली कमानी होती है वो वाली कमानी इसमें असेंबल करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो सुराख हैं वो हमने उनके ऊपर सेंटर पंच मार के गड्ढे कर दिए हैं और गड्ढे करके अब दोस्तों उस पर हमने सुराख करने हैं जो मशीन द्वारा, जो कि मैं आपको बार बार वीडियो में दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एक्साइटेड होने वाला काम दोस्तों ये काफ़ी, क्योंकि दोस्तों शायद ही मैं हिसाब से कोई करता हो इस काम को अंजाम देता हो, क्योंकि अधिकतर क्या होता है दोस्तों कि मुझे उस कस्टमर ने बताया कि मैं ये काम ऋषिकेश में भी करवा लेता है, मगर वो ऋषिकेश में क्या कहते हैं कि वहाँ पर इस काम को करने के लिए इसके अंदर सुराख जो है गैस बत्ती सी है, मतलब वेल्डिंग के माध्यम से सुराख करने को कह रहे थे, मगर दोस्तों वो सही नहीं है। वो कमाने का सिस्टम जो है बढ़ाने के लिए वहाँ है तो सिस्टम, मगर वैसा नहीं है कि यहाँ पे वो सुराख वाला जो सिस्टम है उन्हें वो सही नहीं लगा। इस वजह से दोस्तों वो मुजफ्फरनगर आए और मुजफ्फरनगर आने के बाद दोस्तों उन्होंने ये सोचा कि हम ये काम को अंजाम लेते हैं। और दूसरा दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये गाड़ी एक और आई हुई है, जो कि इस गाड़ी को देखेंगे हम इसमें गाड़ी में क्या दिक्कत है। कस्टमर आया है कि इसके जो टायर वायर हैं जो काफ़ी खा रही है गाड़ी और चकला वगैरह बाहर नहीं निकल रहा है, जो समस्या आ रही है इस गाड़ी के अंदर, और जो कि मैं आपको दिखाऊँगा। एक तो दोस्तों पता क्या, चकला निकालने का पता ही नहीं है गड्डी वालों को, अधिकतर जैक पूरा ऊपर तक उठा रखा है, घोड़े को उठा रखा है ज़मीन से और लटका रखा है उसमें, तो वो कैसे निकल जाएगा। अब मैं इसे कहूँगा जैक नीचे उतार, फिर उसके बाद जाके दोस्तों आप देख लीजिए वीडियो में, खुद ही पता लग जाएगा आपको। जैक नीचे उतारो और लगा रखी ना। दोस्तों क्या है, अधिकतर चकला से यूं भी निकल नहीं पाता, आराम से निकालना, आराम से गाड़ी लो आगे आगे लो, फंसाना क्या करना। प्लेट भी अंदर बड़ी पड़ी है इसकी, तो दोस्तों गाड़ी आई है, ट्राली एक और आई है, आई ये नहीं है कि मना करते हैं, अब देखने से ही पता लग रहा है टायरों के डंडे कितने उल्टे हो रखे हैं, ये पता ही लग रहा है देखने से।
ये यहाँ खुद ही देख सकते हैं आप क्या हालत हो रखी है इसकी, कंडीशन बता रही है गाड़ी की। वैसे के ट्राली का काम करा के आया वैसे वाला, बुरा हाल है मामला दोस्तों। डंडे वंडे होंगे इसके, देखते हैं कहाँ जा रहे हो लेके। ठीक है चलो, दोस्तों डंडे भी आ गए हैं, दो पहले आए थे वो भी दबा दिए हैं। तो उन डंडों में दिक्कत ये थी कि वो टायर ज़्यादा खा रहे थे, तो कहीं ऐसी जगह उन्होंने डंडे खुलवा लिए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, डंडे खुलवा लिए हैं, आ गए हैं, दबा भी दिए हैं। मगर दोस्तों अधिकतर क्या होता है, डंडे जो है उनमें दाब भी कम होती है, दूसरा दोस्तों उनमें अलाइनमेंट का भी पंगा होता है। वो चीज़ का ख्याल नहीं करता कस्टमर, वो तब ख्याल करता है कि जब वो डंडा दबा चुका होता है और दोबारा अपनी गाड़ी मिस्त्री के पास ले आता है, तो ये गाड़ी अभी भी टायर खा रही है। तो उसके बाद जाके दोस्तों फिर हमारे पास गाड़ी आती है, फिर हम उसकी अलाइनमेंट करते हैं। तो अधिकतर ऐसा ही होता है दोस्तों, ये जो पंगे हैं ना कोई गहराई में जाता नहीं है। तो दोस्तों इधर तैयारी चल रही है सुराख करने की, अपना सारा सिस्टम बना रहे हैं, मतलब कि यहाँ भी अपना सुराख शुरू करने हैं यहाँ पर। तो इसलिए मशीन भी उनको सेट किया जा रहा है अपना, करके इसे फिट करना है यहाँ पर और फिर सुराख करेंगे हम। बाकी डंडों की बात चल रही दोस्तों, उसके बारे में बात करूँगा मैं स्पेशल तरीके से, क्योंकि उसमें अधिकतर ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से गाड़ी जो टायर है लगातार फिर खाती रहती है उन चीज़ों को देखते हुए। तब भी वो पता होता है कि हाँ ये काम करना है, और तब भी फिर वो मतलब वो बंदा फिर उसी चक्करों में फंसा रहता है और फिर वो परेशान होता है गाड़ी में जो काम कराया होता है उस काम से, जो कि अभी काम कराया था, और फिर दिक्कत वही आ गई। तो दोस्तों खैर बात करूँगा इस बारे में भी आपसे मैं, और बताऊँगा आपको इस बारे में भी जानकारी दूँगा। फिलहाल जो है दोस्तों आप देख सकते हैं तैयारी हो रही है, तो दोस्तों सेटिंग बनाई है सुराखों की, मतलब मशीन सेट करी हुई है और उसके अंदर अब जगाड़मेंट लगा के पानी लेके आ रहा है वो लड़का, जिससे कि भरमे में पानी डालता रहे साथ साथ और सुराख जो है वो होते रहे सही तरीके से। तो अब जो है दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, तो बने रहे वीडियो के साथ। ये काम है क्या करता है? इधर से लगाओ, लगाओ मोटर। तो दोस्तों सुराख कर रहे हैं, ऐसे अगर मैं वीडियो बनाने लगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सुराख करने के बाद दोस्तों दिखाते हैं आगे का काम क्या है और क्या इसमें होगा, और जो कमानी के पट्टे हैं, राजू कमानी के पट्टे तो नहीं आए देखे अभी है, कहाँ है बड़ी मेन पट्टे, वो बड़े आवेंगे ना मेन पट्टे नरमादी ना। तो दोस्तों वो अंदर आ गए हैं, वो फिलहाल मिलाने हैं, और यही वाले दोस्तों पट्टे सारे इसमें डल जाएंगे। जो है अपना ये ट्रक है तो छः चक्का घोड़ा मेरे मुंह से निकल रहा था, तो छः चक्का घोड़ा नहीं, छः चक्का वही रहेगा जो है वो, मगर सिर्फ कमानी का सिस्टम जो है वो बड़ा हो जाएगा इसमें।
मतलब कहना जैसे लंबी कमानी नहीं होती हेल्पर वाली, तो छः चक्के की, तो वैसी वाली कमानी हो जाएगी। बस 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 आ गया ना, सेंटर में आ गया ना, इसमें नहीं देख रहा तुझे। सही है सही है, चलो जी बाय बाय। चलो भाई दोस्तों, सुराग जो हैं आपके सामने दोस्तों हो रहे हैं फिलहाल, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो गड्डी है अपनी, एक और आ रखी है वहाँ पे, उसकी ट्राली की अलाइनमेंट वगैरह करनी है। फिलहाल मैं मशीन यहाँ रख दूँ, और मशीन रखने के बाद दोस्तों वहाँ लेकर चलता हूँ आपके पास, गाड़ी के पास, वो दिखाऊँगा अभी। दोस्तों ये ट्राली भी है, इसके डंडे हैं दोनों, और लाइनमेंट वगैरह भी होना है इसका, उसका जो है अभी चल रहा है काम, बाकी ये रह रहा था कमानी वगैरह, पट्टे वगैरह मिलाए जाएंगे। मगर उससे पहले दोस्तों इसके डंडे देख लेते हैं, डंडे में दाब देनी है, और भी इसमें कई काम है जो मैं शो करूंगा आपको वीडियो में भी। बड़े रहना दोस्तों वीडियो। ये ड्राइवर है, अभी कहाँ से है भाई? मुजफ्फरनगर से। ड्राइवर मुजफ्फरनगर है, गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी मुजफ्फरनगर की है। लोकल की है? हाँ। हमें तो ऐसा लगा बाहर की है। नहीं, बाहर की है। किसकी है? सोनू सरदार। सरदार की गाड़ी है, सोनू की, तो सहारनपुर का है वो। तो दोस्तों लोकल की गाड़ी है, खैर हमें तो पता ही नहीं है गाड़ी कौन सी कहाँ की है। आ जाती है, खोल देते हैं और काम चालू हो जाता है, ऐसे ही होता है ना? हाँ, ऐसे ही होता है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ, डंडा जो है तार लेंगे, अभी तारते ही अंदर लेके चलेंगे। कई गाड़ियां दोस्तों आई होती हैं लोकल से भी और कोई बाहर से भी, हम कोई गाड़ी को खैर मना करते नहीं, लोकल वाले भी आते रहते हैं, पास वाले जो भी आसपास के होते हैं, तो उनकी गाड़ी में जो ऐसे काम जैसे खुलता है तो वो भी अंजाम दे देते हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई कोई मना करने वाला काम है, यहाँ जो मर्जी आ जाए कोई चक्कर नहीं है, आ जाओ कोई चक्कर नहीं है, बेफिक्र। तो दोस्तों अब जो है ये डंडे को जो दाब वगैरह देनी है, और इसके ठिप्पे वगैरह वेल्डिंग किया जाएंगे, और डैडी बैठे हैं, लगे हुए हैं काम में, अंजाम दे रहे हैं, इधर चल रहा है वो भी मामला। तो अब जो है दोस्तों डंडे को उठाना है, वो डंडे को उठा कर रखना है वहाँ पे स्टैंड पे, और स्टैंड पे रखने के बाद दोस्तों इसमें दाब दी जाएगी, और दूसरा दोस्तों इसके अंदर जो है ना वो ठिप्पे जो है वेल्डिंग करने हैं, वो सारे क्रैक हो रखे हैं, अलग ही हो रखे हैं, क्या मैं हाथ में उठा के दिखा दिया तो आपको। अब उनकी सेटिंग बनानी पड़ेगी, जो कि डंडे को जो है ना ट्राली के सेंटर में, मतलब कि जो हिस्सा है
ठिप्पों पर डिपेंड होता है, अगर हल्का ठिप्पा इधर लगा दिए तो डंडे का हिस्सा इधर बाहर आ जाएगा, उधर से निकल जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें देखते ही दोस्तों इस काम को अंजाम देना पड़ता है। ये नहीं है कि आप ठिप्पा ऐसे जहाँ मर्जी लगा देंगे या मतलब वहाँ जहाँ पहले से लगा हुआ है वहीं लगा देंगे, जरूरी नहीं होता कि पहले जहाँ ठिप्पा लगाया हुआ है वो जगह ठीक है, मगर नहीं दोस्तों हम पहले उसे नाप करेंगे और उसके बाद ही दोस्तों उसे पॉसिबिलिटी करेंगे पूरी कि जो उसे उस तरीके से लगाया जाए जिससे कि गाड़ी में उसके टायर जो है बाहर इर्द गिर्द ना दिखाई दे। कई गाड़ियों में दोस्तों टायर बाहर होने की शिकायत आ जाती है, वो शिकायत यहीं से आती है दोस्तों, ठिप्पे जो होते हैं वो सही नहीं लगाए होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो डंडे की जो शिकायत है ना, डंडा जो मतलब तुम्हें ऐसा लगता होगा बीच वाला थोड़ा सा एक तरफ बाहर है और पीछे वाला थोड़ा सा इधर है, तो वो गाड़ी से थोड़ा सा तुम्हें बाहर नज़र आएगा और उसके डंडे वगैरह भी तुम्हें ऐसे लगेंगे जैसे कि जो है मतलब वो थोड़े टेढ़े लगे हुए हैं, मतलब ऐसा कुछ अलग दिखेगा आपको। तो वो देखने की जो कारण होते हैं वो ठिप्पे ही होते हैं दोस्तों, क्योंकि ठिप्पे जो है दोस्तों सही दिशा में और अलाइनमेंट में नहीं लगाए होते हैं, जो कि बीच में पूरा साइज करना होता है और बिल्कुल 0-0 जो कि नकों के बीच में से इंट्री टेप नाप के वहाँ पर उसके ठिप्पे को हिसाब देना होता है। अगर उसमें हल्का सा भी अगर आप फ़र्क दिखा देते हैं तो आपकी जो गाड़ी के जो है मतलब टायर जो जोड़ा है वो आपका जोड़ा थोड़ा सा गाड़ी से अगर पीछे से खड़े होकर देखेंगे तो वो हल्का सा बाहर नज़र आएगा, तो वो बाहर नज़र आने का जो कारण होता है वो इसी की वजह से होता है दोस्तों। इन चीज़ों पर ध्यान बहुत ही कम, मैं कहता हूँ देते ही नहीं है कोई, जहाँ से आया ठाके वहीं वेल्डिंग कर दिया। तो इस तरीके से तो इस बात का ये पता लगता है कि उन बंदों को इस बारे में जानकारी नहीं है, तो जाके वो वहीं वेल्डिंग कर देते हैं। तो अगर वो कर देते हैं तो या फिर वो बताते नहीं है या कुछ गौर नहीं करते इस काम को, अगर वो गौर करते तो शायद इस गाड़ी का या कोई अदर गाड़ी का भी उसका जो हिस्सा है जो बाहर नहीं आता। तो दोस्तों ये मेरा बताने का फ़र्ज इसलिए था क्योंकि आप सभी भाइयों को पता लग जाए कि गाड़ी का जो ठिप्पे है उसकी वजह से आपका जो हिस्सा है बाहर है, और वो जो हिस्सा जो है उसे सही करने के लिए हमें ठिप्पों को अलाइनमेंट में लाना होगा। तो दोस्तों अब आपके सामने है दोस्तों, हमने जो है डंडे की जो मतलब सारी अलाइनमेंट वगैरह जो की है और उसके ठिप्पों की अलाइनमेंट की है। ये कहना आसान है कि डंडा खोल के दबाया ही तो है आपने, करा ही क्या है, उसमें ठिप्पे रख के वेल्डिंग कर दी है, उसे बार बार नापना, बार बार चेक करना, हल्का सा भी इधर उधर ना हो जाए, हल्का टेटा हो गया तो उसको वहाँ से ठिप्पा सही नहीं बैठने का और फिर वहाँ से पूछ नहीं बैठने के इसके। तो हर चीज़ों को देखते हुए दोस्तों हर काम को अंजाम दिया जाता है उसी तरीके से जो तरीका है। तो आप सभी भाइयों को मैं ये ज़रूरी बताना चाहूँगा कि कहीं भी अगर आप काम करा रहे हैं, अगर चलो आपने काम कहीं खुलवा भी लिया तो उसे ये बता दें भाई ये काम इस तरीके से कर, ये काम ऐसे होगा। अगर वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि आप वहाँ ये काम करवा रहे हैं, तो वहाँ मैं उसे बता दूँगा कि इस तरीके से इस काम को अंजाम कर दे। कहीं रास्ते की बात कर रहा हूँ दोस्तों, लोकल सिटी की बात नहीं कर रहा मैं। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि डंडे के जो मैंने ठिप्पे वगैरह है वो चारों दिशाओं में वेल्डिंग कर दिए गए हैं और जो छोड़े नहीं गए हैं। अब इसकी सेटिंग बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ठिप्पे के जो मेन जगह है जहाँ इसके बूस्ट चलते हैं वो वाली जगहों में दोस्तों, वो वाली जगह जो है वहीं पर ही सबसे बड़ा मेन पंगा होता है, वेल्डिंग यहीं से कच्चा किया जाता है और यहीं अब देखो वेल्डिंग जो है दोबारा दो दो लेयर मारी गई है यहाँ पर, जिससे कि यहाँ पक्का हो जाए और फिर तमाम जो है इसके अंदर जो पावर बनी रहे और बरकरार रहे दोस्तों ठिप्पे में। और कंपनी से जो ठिप्पे आते हैं वो आपको पता ही है, वो तो टुच मार के आ जाते हैं, बस नीचे लेयर मारते हैं दोनों तरफ और साइडों से टुच मार देते हैं, और टुच मारने की वजह से काफ़ी समय में दोस्तों वो जो ठिप्पा है वो साइड से क्रैक भी हो जाता है दोस्तों, मैंने देखा है। मगर दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ से वेल्डिंग क्रैक था सारा वहीं से भर दिया गया और प्रॉपर तरीके से, और इधर भी देखो यहाँ से ख़राब हो रखा था, यहाँ से भी मैंने भर दिया है वेल्डिंग सारा और ऊपर से भी इधर से नीचे से भी। और दोस्तों ये वेल्डिंग का जो टोटल A to Z तो काम था इस डंडे का जो है फाइनल हो गया। अब डंडे को है दोस्तों हमने ले जाना है बाहर और बाहर ले जाकर दोस्तों गाड़ी में टांगना है दोस्तों। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा उस गाड़ी के अंदर काम चल रहा है अभी भी, और आप सोच रहे हैं कि मैंने उसका सीम काट दिया, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सुराख अभी तक हो रहे हैं दोस्तों, सुराख काफ़ी हैं तो उसमें समय लगेगा। तो सुराख करने के लिए आप खुद ही सोचिए, पीछे के दोनों सिस्टम के सुराख करने हैं, नक के हेल्पर सब के, जो पत्ती के भी सुराख होंगे जो उसमें असेंबल होगी। और दोस्तों आप ये भी देख लीजिए ये नकों के जो मुँह हैं फैले हुए थे वो भी सही करे जा रहे हैं। ये बात देखता है कोई, दिखाया किसी ने वीडियो में कि हाँ जी हमने ये सही करा है, ये आपको दिखाया किसी ने? पूरे YouTube में भारत में हमारे सब कई चैनल बना के रखे हुए हैं बंदे, तो आपने कहीं वीडियो में ऐसा देखा कि डंडा ऐसे खोल कर दिखा के आपको दिखाया होगी हाँ भाई ऐसे ऐसे करके इसमें काम होता है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको सिर्फ क्लियरली बता देता हूँ, हमारा जो मुजफ्फरनगर शहर है जो ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर, जो कि मेरे पापा और मेरे ताया जी जो कि शिंदे मिस्त्री और पाल मिस्त्री थे, मेरे डैडी जी, ये आप इन्हें जानते ही होंगे जो काफ़ी समय से लगे हुए हैं इन कामों को अंजाम देने के लिए दोस्तों, जो कि हम भी इन कामों को काफ़ी उन्नति तक पहुंचाने के लिए साथ दे रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों आप बने रहें वीडियो के साथ, मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखाऊँगा इस वीडियो में।
दोस्तों डंडा टाक दिया है और अब डंडा जो है फिट करना है। उसके बाद दोस्तों इसकी अलाइनमेंट करेंगे, जो कि पहले तो ये चक्का ग्रीस करेगा, जो कि इसने काफ़ी घंटे में एक चक्का ग्रीस करा है और अब दूसरा जो चक्का है वो घंटे से चोट मार रहा है, अब बाहर नहीं आ रहा है इससे। वो दिखाओ तो दोस्तों सुराख अभी तक चल रहे हैं, सुबह से शाम हो गई है क्योंकि एक एक सुराख करना पड़ता है और करने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत है और घुमानी पड़ती है मशीन और तीन आदमी लगे होते हैं। दोस्तों चलते हैं सुराख वाली गाड़ी के पास जहां सुराख हो रहे हैं और वहां कौन कौन लगा हुआ है देखते जाके। मुझे सुना रहे तुम बार बार, राजू ने सुन लिया और राजू को सुने को बहुत देर हो गई, चाइना वाले आए कार क्या सीधी धार लगानी पड़ेगी ना दोस्त, ये पे मशीन चल गया है। अब सुराख तो हो गया था, सुराख हो गए हैं, मशीन चला दी दोबारा। नहीं मशीन नहीं चलाया, रुके चलती चलती मशीन रुकी। वो वाला काम हुआ उस दिन वाला, अरे वो वाला काम हुआ, वाला काम हुआ। वो पांच कवर में काट दो उसका, इसमें धार लगा देना बाद में। इसमें धार लगा, सीधी धार लगनी है तो ये तो बाद में वो ला रहा मैं दूसरे कवर में निकाल कर। दोस्तों बर्मे का हो गया नुकसान, अब क्या बताएं।
तो बर्मे का हो गया नुकसान, देखो इतना तिखा हो गया है। ये देखो चुभ रहा है मेरे हाथ में यहाँ पर, और बर्मा वो टेपर वाला था जो अंदर मारा गया है, आप देख सकते हैं कि सुराग पहले करने के बाद उसके बाद दोबारा एक बर्मा और मारा है जो कि साइज करना था, हमने एक्चुअल जो उसमें रखना था। तो अब ये आप देख सकते हैं कि बर्मा दूसरा लेने गया है, वो लेकर आएगा, उसके बाद ही जाके इसमें हम काम चालू करेंगे दोबारा। तो अब कई कहेंगे कि हम तो 5 मिनट में सुराग कर देते, तो भाई तुम कर लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमें तो यहाँ बहुत समय लगा है, प्रॉपर तरीके से सुराग किए गए हैं और एक्चुअल किए हैं। ये डैडी बैठे हैं राड़ लेके, 25 का है वो थोड़ा ढीला हो जाएगा, 25 कह रहा हूँ, मतलब फालतू ऐसे सवा का है, मतलब हो गया चुम्बा मार दे, हो गया चुम्बा को मारा, मैं तो सुराग हो गया था, तो बाबा निकालते हुए पटते पटते बा चलो तो इधर चलो काम तो सब छोड़ बच्ची के बाद तो चलो यार हम और करो करो जो पे मुंह पे मार दो से मेरे चलो तगड़ दो तगड़ दो तगड़ दिया मर गया टैप ला ला ना पे अगर कम लगी ना मैं बाल लगा करने पर एक का ऐसा ऐसा दे दो ना संकल में ऐसा दे दो घुमा के बर्मा काट नहीं रहा हो लगातार है, उतारो से मशीन को नीचे बर्मा का तो घिसला से टूटी सी घिसला उसकी सारी प्लेन करते से उससे सुराख हो जाएगा, आगे से सीधा प्लेन करते से मंड रहे बस हो गया काम मैं गया जी शाम के 5:30 बज गए, पर मैं सुराग ही कर रहे थे, जा रहे हैं
जब लगा रहे तो पक्का नहीं पता ये नवा लेके मत्था मार रहे मैंने लगे नवा लेके आवे नवा ले आओ जाके और काम आ जा तुम्हारे ये कह रहे ना नवा ले आओ नहीं ना उठा भी नहीं ना बोल रही ये लगाएंगे डायमंड में लगा रहे हैं बाहर जाके देखते हैं दोस्तों, वहाँ पे बर्मा लगाते हैं, दूसरा टूट गया था ना ये वही वाला बर्मा, तो धार लगा ली हमने इसकी और ये अब सही हो गया, अभी इसमें फिट कर देंगे। लारा उस गाड़ी की अलाइनमेंट तो वहाँ कर रहे होंगे, फिलहाल इधर देख रहे हैं कि इसमें जो सुराख का काम रह रहा है, क्योंकि सुबह से लगे हुए दोस्तों सुराख काफ़ी थे गाड़ी के अंदर, जो कि पीछे का सिस्टम लगाने के लिए, और वो पानी के लिए कह रहे हैं मुझे पानी ले आया, जिससे वो बर्मे मारना है, क्योंकि बर्मे के लिए पानी हो गया ख़त्म, क्योंकि बर्मा फिट ना टूट जाए, फिर उसके बाद फिर पंगा वही रहेगा। चलो 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 है वो बर्मे की धारिन थी। अब लंबी होगी तुम्हारी कमानी है, इतनी लंबी होगी, देख लो प्रेस में बाहर आ रही है इतनी, इतनी बड़ी होगी। अब जो जंप है इसमें पूरा रहेगा यार भैया, ये तो बदलना पड़ेगा। क्या क्यों है हटे जरा, हाँ तो बदल देंगे, दिक्कत है अपने अभी कमानी मिला, फट क्लिप मिला रहे हैं ना, तो क्लिप लगे हैं ना, अभी तैयार थोड़ी होगी, दो मिनट का काम आ जाएगा, उससे ही निकल जाएगा बाहर। घर जाओ घर,
तो दोस्तों काम हो चुका है फाइनल, रात हो गई है, अब चलते हैं घर। दोस्तों मिलते हैं फिर मॉर्निंग में, और ऐसी ही वीडियो पूरी आपने देखी होगी जो हमने आज पूरा वर्क किया है दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक जो आपने तमाम जो हमने काम किए हैं वो आपने वीडियो में देखे होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर लाइक शेयर कमेंट, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों, इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो।